हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हु नीड द राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत किसे है, किसे राइनोप्लास्टी करानी चाहिए। सो इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स देन यू नीड द राइनोप्लास्टी। लाइक यू हैव ए बम्प ऑन द नोज, लाइक ए हम्प ऑन द नोज, इफ़ यू हैव ए डिप्रेशन ऑन द नोज, नोज के ऊपर एक डिप्रेशन है, और इफ़ योर नोज इज नॉट इन द मिड लाइन, यू नो नोज इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फेस, सो और नोज शुड बी इन द सेंट्रल पार्ट। नोज बिल्कुल चेहरे के बीच में होता है, बट इफ़ द नोज इज नॉट इन मिड लाइन, नोज इज डेविटेड फ्रॉम द मिड लाइन, जिसको हम क्रूकड नोज बोलते हैं, सो देन यू नीड राइनोप्लास्टी। एंड इफ़ यू हैव ए ब्रॉड नोज, आपका जो नोज है वो जो रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर से ब्रॉड है, और यू हैव ए ब्रॉड टिप, और योर टिप इज ब्रॉड और बल्बस, और टिप इज बेंट लाइक दिस, सो इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम देन यू नीड द राइनोप्लास्टी। एंड फाइनली इफ़ योर नोज इज नॉट इन बैलेंस विथ योर रेस्ट ऑफ द फेशियल फीचर, जो आपका फेस है उसके अकॉर्डिंग आपका नोज मैच नहीं करता, देन यू आर अ टारगेट पेशेंट फॉर राइनोप्लास्टी। सो if you suffering from the bump on the nose, if you suffering from the depression on the nose, if your nose is deviated from the one side, if your nose is crooked nose, S or C-shaped nose, or your nose is broad, or your tip is broad or bulky, or your tip is bent towards like this, then you need the rhinoplasty surgery, and definitely you can go for the rhinoplasty for the both aspect, like just improve your cosmetic deformity and another just to improve your function of the nose. Thank you. So I hope this information is useful for you, so you can share this information to your colleagues, to your family, to your friends, just to create the society in for the rhinoplasty. And if you have the further queries, then you can log in my websites, you can subscribe my YouTube page, and press the bell icons for getting the further notification of the new videos. Thank you.